हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आपने आज मेकअप किया है और जब मेकअप आप वॉश करते हैं उसके कुछ घंटों बाद या नेक्स्ट डे आपको छोटे छोटे बम्स या फिर पिंपल्स आने लगते हैं अपने फेस पे? ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर, प्राइमर, वट एवर यू आर यूजिंग, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड हैं तो आपकी स्किन को वो हार्म ही करेंगे। सेकेंड रीजन इसका ये है कि आप जो स्किन केयर कर रहे हैं वो आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। तो आपकी स्किन केयर आपके स्किन के हिसाब से होनी चाहिए। तो आप प्रॉपर स्किन केयर करिए, उसके बाद आप मेकअप करिए, तो आपको बम्स और ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। और वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि जो भी टूल्स, जो भी ब्रशेस, जो भी आप ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज कर रहे हैं अपने मेकअप करने के लिए, वो सब क्लीन नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि हम मेकअप करते हैं लेकिन हम हमारे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, जो ब्रशेस होते हैं, उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये हमें ब्रेकआउट्स और सीवियर ब्रेकआउट्स हो जाते हैं इसके कारण, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे ब्रशेस को क्लीन रखें, हमारे स्पॉन्जेस, हमारे जो भी ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं वो सब क्लीन रहने चाहिए। सो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप अगर रेगुलर मेकअप करते हैं तो 2 या 3 यूज के बाद आप अपना जो ब्रश है, जो टूल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे क्लीन कर लीजिए। और अगर आप रेगुलर नहीं करते हैं मेकअप, तो आप 10 दिन में एक बार तो अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स, अपने ब्रशेस वॉश और क्लीन किया ही करिए। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने ब्यूटी टूल्स को किस तरीके से डीप क्लीन कर सकते हैं, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है आपको, आज मैं वही आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो, मेरा नाम है अंजलि और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद जो मैं जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देंगे, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कर रहे हैं डीप क्लीनिंग, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक माइसिलर वाटर, मैं यहाँ यूज कर रही हूँ बायोडर्मा का, और आपको चाहिए एक बोल। तो सबसे पहले मैंने ये बायोडर्मा का जो माइसिलर वाटर लिया था उसे मैंने थोड़ा सा इस तरीके की कटोरी में डाल दिया है, और मैं इस तरीके का ब्रश ले रही हूँ। इससे मैं छोटे ब्रश क्लीन करूंगी। जैसे कि माइसिलर वाटर हमारा पूरा मेकअप क्लीन कर देता है, उसी तरीके से ये ब्रश वगैरह भी क्लीन कर देता है। तो इस तरीके से मैं अपने जितने भी छोटे छोटे ब्रश हैं इसमें डिप करके क्लीन करते जाऊंगी। सो फॉर नेक्स्ट स्टेप मैंने एक ग्लास में वॉर्म वाटर ले लिया है। इस ग्लास में मैंने थोड़ा वॉर्म वाटर ले लिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा शैम्पू, मैं लॉरेल का शैम्पू यूज कर रही हूँ, आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं, शैम्पू और थोड़ा सा कंडीशनर मैंने यूज किया है। अगेन कंडीशनर भी मैं लॉरेल का ही यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो आप कोई भी कंडीशनर यूज कर सकते हैं। मैंने ये दोनों इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। तो मिक्स भी मैं एक ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ, इस तरीके से मैं मिक्स कर दूंगी। और ये जितने भी मेरे पास छोटे वाले ब्रशेस हैं, छोटे बड़े जो भी ब्रशेस हैं, वो सब मैं इसमें डिप करके फॉर 40 मिनट्स छोड़ दूंगी। तो अब नेक्स्ट है ब्यूटी ब्लेंडर की बारी। ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा वॉर्म वाटर डाल दिया है और मैंने उसमें डाल दिया है थोड़ा सा शैम्पू। शैम्पू के साथ ही साथ मैं डालूंगी इसमें शावर जेल। मैं यूज कर रही हूँ नीविया का शावर जेल, आप चाहे तो आप कोई भी शावर जेल यूज कर सकते हैं। इसे मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा और इसे अच्छे से, जो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, इन ब्यूटी ब्लेंडर्स को मैं इसमें डाल दूंगी। उसके पहले एक बार आप थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये वॉर्म वाटर है, ये हॉट वाटर नहीं है, तो आप इसे मिक्स हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे मिक्स कर दिया है, अब मैं ये दोनों ब्यूटी ब्लेंडर को इसमें सोक करने के लिए डाल दूंगी। और कुछ देर के बाद ये जो आप देख सकते हैं कि पानी अभी से कितना खराब हो रहा है,
तो ये भी मैं 40 मिनट्स के लिए इसी में रहने दूँ। सो 40 मिनट्स हो गए हैं, इसे मैंने सोक करके रखा है वह 40 मिनट्स। तो अब मैं ले रही हूँ एक बोल में या फिर एक मग में क्लीन वाटर, और साथ ही साथ मैं ले रही हूँ ये एक सिलिकॉन का एक टूल आता है, ब्रश क्लीनिंग टूल, जो कि मैंने अमेजोन से लिया है। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो मैं इसके यूज करके अपने ब्रश को और क्लीन करूंगी। जितना भी अभी इसमें इम्प्योरिटीज थी, जो भी मेकअप था, वो सब इसमें आ गया है। फिर भी अगर कुछ बचा है तो इसमें रब करने पे वो निकल जाएगा। जैसे कि मैं अब ले रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने ब्रश लिया है, अब मैं इसे यहाँ पर रब कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेकअप अभी भी बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से मैं रब करते जाऊंगी, और एक बार रब होने के बाद, मतलब इसे रब करने के बाद, जब तक थोड़ा क्लीन नहीं हो जाता है, आपको लगता है कि क्लीन हो गया है, उसके बाद आप इसे इस तरीके के क्लीन वाटर में डाल के थोड़ी देर रहने दीजिए। तो मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स भी वो पानी से निकाल दिए हैं, और मैंने इसे अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। थोड़ा बहुत पानी अभी भी रह गया है। तो अब मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को रनिंग टैप के नीचे रख के क्लीन करूंगी, जब तक कि पूरा पानी क्लियर ना हो जाए। या फिर आप इसे क्लीन बोल में डिप करके भी रख सकते हैं कुछ देर के लिए, जब तक कि आपको लगता है कि पूरी गंदगी निकल गई है, तब तक कि आप उसे डिप करके रखें। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं ले रही हूँ क्लीन वाटर। ये पूरा क्लीन वाटर है, ये वार्म वाटर नहीं है, हॉट वाटर नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है। और मैं लूंगी कुछ टिश्यूज। तो अब मैं जो ये हमारे ब्रश धुल के रखे हुए हैं, अब इसे मैं ये क्लीन वाटर में एक बार धो लूंगी वापस से, और उसके बाद मैं इसे प्लेस कर दूंगी एक टॉवल पे, और उसे रैप करके मैं उसे कुछ रात भर के लिए छोड़ दूंगी, कल तक के वो पूरे सूख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे सारे ब्रश कितने क्लीन हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, सारे के सारे बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं, एकदम न्यू लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसका तो मैं कलर भी भूल चुकी थी कि किस कलर का है ये। सो आप देख सकते हैं, ये सारे मेरे आई ब्रशेस हैं, ये सारे मेरे फेस ब्रशेस हैं। अब मैं इस टॉवल को मैं रैप कर दूंगी, और इस ब्रश सेट को मैं पूरी रात भर रहने दूंगी, और ये कल तक सूख जाएगा। सो इस तरीके से मैं अपनी ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेस क्लीन करती हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, एंड बाय बाय।